की शैतान की नहीं, यहाँ तो अंदर जाएगा वो तो बाहर जाए तो बाबा का भक्त ना कहना। ताली बजा दो, ताली बजा दो। जो तुमने बताया छेना, कसम भगवान की छेना डिब्बे में रखे हैं, चाशनी में भीज रहे हैं, हाथ लगाएंगे चाशनी लग जाएगी। जवान देखो कैसा लबल लबल कर दिया, एकदम बड़े बड़े सब लाओ। बोलो प्रांशु, अरे प्रांशु, इसका पर्दा तुम खोलोगे कि हम खोल दें? देखो पर्दा तुम खोलो या हम खोले, पर्दा तो खुलना ही खुलना है, माल आया इसको लगने लगना। पर्दा खोलने से पहले एक बात पूछेंगे, उस बात का उत्तर हमारे तक पहुंचा देना, लेकिन उठा बैठी ना करना। बोलो जब इन बाबा की दुआ से इतना बड़ा काम करते हैं, बार बार तलाशी दे के आइटम मंगाते हैं, बोलो टाइम समय आने के ऊपर भैया बाबा का हक देना पड़ता है कि नहीं? देना पड़ेगा, देना पड़ता नहीं पड़ जाता है। और इनका हक हम का देंगे, आपका दोगे, हमारे जैसे आपके जैसे 50 का हक लेके जाते हैं, और ये बाबा अपने हक में अंडा मुर्गा नहीं लेते हैं। इन बाबा के हक में लोग काले जाते हैं, 20 रुपए से लगा के लोग 50,000 की चादर चढ़ाते हैं, और 50,000 की चादर कौन चढ़ाता है जिसकी 50,000 की औकात है? भैया गरीब आदमी 100 रुपए। अब बोलोगे कहाँ नहीं चढ़ाते हो, हम भी बाबा के मंदिर में जाते हैं, लेकिन हम महीने में एक बार जाते हैं, हर महीने में एक बार जब बाबा के मंदिर में जाते हैं तो एक चादर ले जाते हैं। कितने की? अकेल करना मेरी बात पर, 20,151 रुपए की चादर इन हाथों से बाबा के मंदिर में चढ़ाते हैं। कल का दिन छोड़ के परसों वाले दिन कसम बाबा की हमारी चादर जा रही चढ़ने के लिए, ये तुम्हारे अकबरपुर से जा रही, हम लोग 5 आदमी मिल के ले जा रहे हैं, बाबा के मंदिर में चढ़ाएंगे, इनके भंडारे में हाथ बटाएंगे, तो वापस आएंगे, एक महीना ये प्रचार करेंगे, एक महीना के बाद फिर जाएंगे। अब आप लोगों का सवाल हमारे ऊपर आ गया, कहोगे तुम इतने बड़े आदमी हो जो हर महीने में 21,151 की चादर ले जाते हो। भैया हम बहुत गरीब आदमी है, लेकिन चादर पूरी ले जाते हैं, 5 का सिक्का कम नहीं करते हैं। जानना चाह रहे हो कैसे ले जाते हैं? लो जान लो, हमारी चादर जो बाबा के यहाँ जाती है और परसों जा रही है, वो चादर जाती है मेरा भाई एक चंदे से, दान से, सहयोग से, आप लोगों की मदद से। अब बोलोगे क्या चादर में चंदा लेने यहाँ आए हो? बुरा ना मानना, लोग बात नहीं सुन रहे तो चादर में चंदा का देंगे। अरे चादर में चंदा हमने कल ले लिया था, कहाँ पे लिया था? ये रोटे रोड जाओगे, रोड पर गांव है भैया, उस गांव में हमने चादर में चंदा लिया था। कसम बाबा की अपनी जेब से लोगों ने 100-200 रुपया निकाला, अपने बच्चों के सर पर उतारा, इन बाबा की चादर में दिया। हमसे कहा ले जाओ परदेसी, हम देवा शरीफ पहुंच नहीं पाते हैं, हमारी नेक कमाई का 100-200 चादर में लगाना, ताकि देवा शरीफ का कुछ धन हमको हमारे बच्चों को मिल जाएगा। अब बोलोगे का यहाँ मांगोगे, मैं मेरा भाई और जो जैसा देता बाबा के मंदिर में, बाबा उनके घर में वैसे ही बताते हैं। 5 लोगों ने 100-100 रुपया दिया था, 11 लोगों ने क्या गरीब आदमी बैठे तो 30-20 दिया, और जो जैसा देखा मंदिर में वैसी बाबा को। अब लोगों ने कहा यहाँ मांगोगे, नहीं मेरा भाई, हो सके तो बाबा की चादर में भैया अपना हाथ लगा देना, अपनी नेक कमाई का पैसा मंदिर पे पहुँचा देना, और ना हो सके आराम से बैठ के खेल देखना, मेरा कर्जा नहीं है, और तुम्हारा पैसा मांग के भैया आप लोगों का पैसा मांग के अगर हम खा ले या अपने भाई को खिला दे या गाड़ी में पेट्रोल लगा दे, इन बाबा की चादर में तुम्हारा पैसा ना लगाए तो बाबा पर हाथ रखे जा रहा है, ये बाबा कोढ़ी कर दे हाथ। देखो बोलो काया से बड़ी मांग, देना या ना देना, झूठी कसम पैर की चप्पल नहीं खाएगी। अब आप लोग कहोगे मास्टर जब इतनी बड़ी कसम खा गए हो तो उस गांव में सबने दिया था, हमारे गांव भी मांगो मिलेगा, तो देखो हम बाबा की चादर के 3 सवाल करते हैं, 3, और जो पहला सवाल पूरा करेगा बाबा का खुश हो। भैया जो बेटी बहन जो माता जी पहला सवाल बाबा का पूरा करेंगे, कसम बाबा की ये बाबा सबसे पहले उनके दिल की मुराद पूरी करेंगे, उनके घर में खुशहाली पैदा करेंगे बाबा, उनके बिगड़े काम को बनाएंगे। जो दूसरा सवाल पूरा करेगा बाबा उनकी दूसरी मुराद पूरी करेंगे, जो तीसरा पूरा करेगा सवाल उनकी तीसरी मुराद, इसी प्रकार से 3 सवाल है जो हम बताने जा रहे हैं। शुरू आज पहला सवाल, पहला चादर का चंदा, इतने से कोने का चंदा, अकबर फिर से चादर जा रही परसों, पहला सवाल कितना रहेगा? तुम्हारे बच्चों की न्यूछावर, जान माल की खैरात, इन बाबा की चादर का पहला सवाल सिर्फ 101 रुपया। दादाजी एक मिनट रुक जाओ, भी देना, और दूसरा सवाल 51 रुपया, भी देना, 51 रुपया। अब आखिरी दान, आखिरी चंदा, जो मेरे जैसा गरीब है उसके लिए 30 रुपया, 30 रुपया, 30 रुपया, 30 रुपया, 30 रुपया,
और 30 रुपए से नीचे कोई चादर नहीं मिलती है। 30 रुपए से नीचे दोगे चादर में नहीं माना जाएगा, वो अगरबत्ती में या गुलाब के फूल में लगेगा। चादर 30 रुपए से नीचे नहीं मिलती। अब कहोगे 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया हम देना चाह रहे हैं, कैसे दे लो? देने का तरीका जान लो, पैसा हमको दिखाना ना, पैसा चमकाना ना, ना हमको देना। फिर बोलेंगे कैसे देंगे, जैसे मंदिर में दिया जाता ऐसे यहाँ देना। कहोगे कैसे लो, देने का तरीका जान लो। और पैसा यहाँ पे देना कौन? जिनके पैर के अंगूठे से लगा के सर की चोटी तक, भैया शरीर का डोरा डोरा गवाही दे, अंदर से दिल चाहे कि चादर में दे दे। तो एक बार ये सोच के देना कि यार गंदी बुरी बातों में हजारों चला गया, हजारों रुपया जुए में हार गया, हजारों दारू शराब में लुटा दिया, जरा सी परेशानी आ गई 100-200 डॉक्टर को दे दिए, 150 बच्चे खा गए, आज चादर की बात आ गई, ना 150 रुपया 30 रुपया दे दे तो देना। माता जी एक मिनट रुको, और नहीं देना है तो भैया लोगों हमारे बाप को छोड़ देखना, लेकिन बाबा को सीना दिखाया मुंह चुरा के भागो ना। और एक बात सुनो मेरा भैया, पैसा देना यहाँ पर कैसे लो, देने का तरीका जान लो। इनका मंदिर बंद है, बोलो बंद है कि नहीं? अब बाबा का मंदिर खोलेंगे, अब बाबा का यहाँ 11 मिनट के लिए पहरा आएगा, बाबा यहाँ आएंगे, बाबा सबको देखेंगे, सबकी बिगड़ी को सुनेंगे, बाबा को नहीं देख पाओगे, बाबा पर्दा कर चुके हैं, बाबा का मंदिर खोलेंगे। अब जिसके पास में पैसा है तो अपने हाथ में चुप्पी निकाल लो, पास में पैसा नहीं है जब कहेंगे खड़े हो जाना, अपने घर से ले आना पैसा, अपने बच्चों को भेज के मंगा लेना, अपने आप चले जाना खुद ले आना। इधर देखो सीधी मुट्ठी में पैसा पकड़ना, तुम्हारा बच्चा है, छोटा है, तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई है तुम्हारा, ए भैया उसके सर पर 3 बार पैसा उतार लेना और यहाँ चले आना। ना पैसा इधर से देना, ना उधर से, ना इधर से, सामने से दिया जाता है, अपना पैसा सामने से लाना। और दिल में एक अच्छी सी बात सोच लेना बहन लोगों, भैया लोगों, वो बात सोचना कसम भाई की, जो बात तुम्हारी कभी बनती ना हो, वो बात सोच के दिल के अंदर आना और अपना पैसा ऐसे करके चढ़ा देना। ये नवचंदी की चादर है, 5 साल पुरानी, चून के माथे से लगाना और दिल की बात बाबा से चुप्पे से कह देना। और कह देना बाबा ये पैसा बनता नहीं, हम बहुत परेशान है, इतना कैसे पैसा चढ़ा के बैठ जाना, ये बाबा तुम्हारी अर्थी लगा देंगे और कसम बाबा की दिल के अंदर अंदर तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो जाए तो 5 अगरबत्ती बाबा के नाम से अपने घर में लगा देना। और पैसा देके यहाँ से भाग ना जाना, अपना पैसा देके बैठ जाना। इन बाबा का पंजा बांटेंगे घर में लगाने के लिए, दुकान में लगाने के लिए, गाड़ी में लगाने के लिए, वो लेके यहाँ से तब जाना। और जिनके पास में पैसा नहीं वो घर से नहीं जाना, लेकिन घर जाना तो हाथ जोड़ना हूँ वापस जोड़ना, ऐसा ना करना बाबा को सीना दिखाया है। अब चंदे का नाम सुन के घर जाओ और घर में मुंह चुरा के बैठ जाओ बाबा से, फिर बाबा से मिलने ना आओ तो बाबा का पाप पड़ेगा, पड़ेगा तो बना काम बिगड़ जाएगा, ऐसा ना करना। धर्म कमाया, धर्म कमाना, पाप में हाथ पर मत लगाना। अरे मन है चंगा तो कठौती में है गंगा, और जब मन में है कपट तो कहीं चले जा भला नहीं पाओगे। लो खोलने हैं मंदिर। और एक बात सुनो, इतने इतने बड़े बच्चों को पैसा लेके मत भेजना, ऐसा ना करना बच्चन के हाथ पैसा भेज दो, बच्चे आएंगे पैसा डाल के भाग जाएंगे, इतने बड़े बाबा से कुछ कह नहीं पाएंगे, और जब कह नहीं पाओगे तो पूरी हो पाएगी। अपने आप आना बच्चों को लाना, और सबका पैसा यहाँ पर आएगा भैया लोगों, तो आदमी नहीं दे पाएंगे। बोलो कौन? बता दे मास्टर, एक औरत नहीं दे पाएगी और एक आदमी, जो हम बता दें, एक आदमी वो नहीं दे पाएगा। एक आदमी होता है सूर, नाच नौटंकी में 2000 लुटा देगा, दारू वो पिएगा 300 रुपए, जीवन में हार जाएगा 10,000, लेकिन जब कोई धन के काम में देने के लिए आएगा तो वो कह देगा आज हमारे पास पैसा नहीं। उस भैया, उस आदमी को हमारे बाबा कहते सूम, उसका पैसा कहाँ जाएगा बताए? डॉक्टर लेगा सूम लगा के, पुलिस लेगी डंडा मार के, उनकी रकम चंदा खाता। अगर कोनो सूम होती है न कुत्ते को खो देती है, न दुआरे से भिखारी को भीख देती है, वो भिखारी आ जाए तो दरवाजे बंद कर लेती है। उस औरत को हमारे बाबा कहते सूम, वो अपने बच्चों से अपने घर से हमेशा दुखी रहेगी, डेली दवाई आएगी, मंदिर में नहीं आ पाएगी। समझो अगर तो 20 रुपया 50 रुपया 50 रुपया 100 रुपए से ज्यादा हमारा चिल्लाना हो गया, ये चादर का हिस्सा माना है। कसम बाबा की जिसका पहला पैसा आएगा पहली मुराद बाबा पूरी करेंगे, दूसरा आएगा दूसरी मुराद पूरी करेंगे। इसी प्रकार से बाबा के मंदिर में सब लोग आना, लोग खोलने बाबा का मंदिर, जैसे खोलेंगे खड़े हो जाना, पास में पैसा होगा सबसे पहले आना, नहीं होगा घर से ले आना। आए मेरे बाबा, आज जो पहला सवाल 101 का पूरा कर दे, आए मेरे बाबा उनके घर में 101 लाख की बरकत दे देना, उनके दिल की मुराद पूरी कर देना, उनके घर में खुशियाली पैदा कर देना। जो 51 का सवाल पूरा करे, आए मेरे बाबा 51 लाख की बरकत दे देना, वो कागज का दे उनके मकान में तुम सोने चांदी का दे। जो 30 का सवाल पूरा करे उनको 30 परेशानियों से बचा देना, जिन हाथों से दान कर दे उन हाथों में धनलक्ष्मी दे देना। 100 का 200 का लाओगे जो मुंह से, बाकी वापस कर देंगे। लोग खोल में बाबा का मंदिर।
किया बाबा, जो सबसे पहले मंदिर में चल के आ जाए, सबसे पहले दिल की निराश पूरी करना। दिया दिया बाबा, आशीर्वाद देना। प्रेम से बोलो हाजी बाबा की।